तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबाइए, उसके बाद हम वीडियो शुरू करते हैं और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आप वीज़ा लेते हैं सऊदी अरब का, टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, तो आपको किसी एजेंट से मिलना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है और भी बहुत सारा चीज़ें जो फॉलो करना पड़ता है आपको। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप अपने फ़ोन से वीज़ा अप्लाई करें और 3 से 4 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा MMT से। ठीक है, तो MMT से मैं बुक करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप बुक किया, मतलब कि अप्लाई किया जाता है वीज़ा के लिए और क्या क्या ज़रूरी पड़ती है, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है जो है सऊदी अरब के वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए। और ये वीडियो पूरी देखिए, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप वीज़ा चाहते हैं दुबई का, तो आपको घर बैठे कैसे मिल पाएगा। तो ये प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ और बहुत ही ईजी प्रोसेस है। और उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट रेडी करना और जो है अपनी कंफर्म फ्लाइट टिकट जो है वो भी रेडी करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम MMT पे जाएंगे, मेक माई ट्रिप ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आप वीज़ा सेक्शन में जाएंगे, वीज़ा पे क्लिक करेंगे और मात्र अभी जो सीज़न चल रहा है वो है 5650 रुपये पर पर्सन वीज़ा यहाँ का जो है लगेगा आपका 3 से 4 दिनों में, 1 महीने के लिए। और आप सेलेक्ट करेंगे जिस डेट को आपकी जो है फ़्लाइट है, लाइक आपने, क्योंकि अगर आप फ़्लाइट बुक करेंगे तो लगभग 1 महीने से पहले प्लानिंग करके चलिएगा। तो मान चलिए 1 जनवरी में नहीं, हम फरवरी में जा रहे हैं, 1 तारीख से 7 तारीख के तक। ठीक है, 1 से 7 तारीख तक हमको जो है, 1 तारीख को मेरी फ़्लाइट है, 7 तारीख को रिटर्न फ़्लाइट है। ठीक है, तो यहाँ से हमने डन कर दिया। और नंबर आप कितने लोग जा रहे हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। आप अगर अडल्ट हैं तो अकेले जा रहे हैं तो 1 सेलेक्ट कीजिए और अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप जो है 90 दिनों के लिए जा रहे हैं, है ना, मल्टीपल एंट्री चाहिए क्या, सिंगल एंट्री चाहिए। तो आपको सिंगल एंट्री चाहिए और 1 महीने के लिए आपको काफ़ी है। तो यहाँ पे आप जो है तीस डे स्टे सिंगल एंट्री के लिए है और इसका जो है वैलिड है 59 डेज़ के लिए। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर लिया है, नॉर्मल पर है 5650 और हमने कंटिन्यू कर दिया है। अब यहाँ पे आपका आ जाता है पासपोर्ट जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का जो है प्रोसीजर आ जाता है और ये बड़ी सावधानी से करना है आपको। और ठीक है, तो पासपोर्ट का आप यहाँ पे फ्रंट और बैक और एक फ़ोटोग्राफ जो है वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और आपकी कंफर्म एयर टिकट। ठीक है, और यहाँ पे आप नेक्स्ट करके अपलोड करेंगे। ठीक है, ये जो है कैमरे से आपको अपलोड करना पड़ेगा। और सॉरी, यहाँ पे मेरे पास, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ और मैं यहाँ से स्किप कर दे रहा हूँ। आप सारी डॉक्यूमेंट्स जैसे ही अपलोड करेंगे, ठीक है, आगे का प्रोसीजर मैं बता देता हूँ क्या होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको 5650 रुपये पेमेंट करनी है। और ध्यान रखिए, ये जो है कभी कभी जो है, जैसे कि दुबई का वीज़ा जो होता है वो और भी डॉक्यूमेंट्स मांग लेता है, लाइक आपके घर का जो है, जैसे कि कोई घर का, किसी घर के अपने माता पिता के जो पासपोर्ट थे वो भी मांग सकता है, इन केस अगर कोई भी उसको इशू लगा तो। ठीक है, लेकिन बहुत ही केस, बहुत रेयर केस में मांगता है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। ठीक है, और एक सावधानी के लिए बता दूँ आपको, आप ऐसी फ़्लाइट बुक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, तो ऐसी फ़्लाइट बुक कीजिएगा जिसमें रिफ़ंड हो। बाय चांस आपका वीज़ा ना लगा और आपने फ़्लाइट बुक करके रखी है और आपका रिफ़ंड भी नहीं आएगा, तो आप 5650 रुपये में आपका वीज़ा कंफर्म हो जाएगा। 3 से 4 दिनों में आपको कोई, आपको जो है बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी एजेंट से मिलने की ज़रूरत नहीं, आपको MMT जो है आपको ये वीज़ा दिलाकर देगा। और उसके बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं, है ना, टूरिस्ट वीज़ा पे। तो ये प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और परेशान होने की एकदम ज़रूरत नहीं है आपको। आपको MMT पे जाना और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का जो है सेलेक्ट करना है, सिंगापुर का भी है, मलेशिया का भी है, श्रीलंका का भी है,
तो ये जो है 6 कंट्रियों के जो है वीज़ा ये अभी अप्रूव कर रहा है MMT अपने थ्रू। तो अगर आप इन सभी कंट्रियों में जाना चाहते हैं तो MMT से बुक कीजिए, बहुत ही इजी प्रोसेस है और सिंपल तरीके से आपका जो है वीज़ा बन जाएगा, है ना। और ये केवल अप्लाई करना है टूरिस्ट वीज़ा के लिए है ये, है ना। MMT आप जान ही रहे हैं कि टूरिस्ट के लिए आपको प्लेन फ्लाइट सब भी जो बुक करना होता है वो MMT ध्यान रखता है। आगे भी आएंगे और भी कंट्री जो है और भी देश की जो है वीज़ा यहाँ पे ऐड होंगे, है ना, MMT ने कहा है। तो अभी अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतना ही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।